एस एच एम हमने टॉपिक किया एस एच एम पे वापस आ रहा हूं एस एच वेव खत्म हो गया वेव्स का कंपटीशन वाला पार्ट पढ़ा है अभी तो हम एस एच एम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन तो इसके अंदर हमने दो टाइप के एस एच एम किए लीनियर एंड एंगुलर जब जब रिस्टोरिंग फोर्स निकलती हैं हमने साइड डेरिवेशन रिस्टोरिंग फोर्सेज से ही सॉल्व की तो हमने लीनियर एस एच एम किया लेकिन अगर कोई बॉडी कैसे अपने एक्सिस पे ऐसे मूव कर रही है ये देखो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे ये एंगुलर एस है

तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा फोर्स एम जी इंटू परुलर डिस्टेंस एल साइन थी तो रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा को थीटा और टॉर्क क्या होता है आई एल्फा आई पॉइंट मास का क्या होता है एम आर स्क्र एम एल स्क् पुट कर दिया एम से एम कैंसिल तो ये टर्म आ गई एल्फा थीटा माइनस ये देखो एंगुलर एस एच एम प्रूव हो गया इसे कंपेयर करके उमेगा निकाल लिया ओमेगा पाई टी से टाइम पीरियड आ गया आंसर सेम है जैसे मर्जी कर लो हर क्वेश्चन एंगुलर एस एच एम का होगा ये जरूरी नहीं है तो ये क्वेश्चन लेकिन मैंने करके दिखाया दोनों मोशन से चलता है जैसे एक पेंडुलम है और इस बार में दो मासेज है एम वन एंड एम टू एक एल वन डिस्टेंस एक एल टू डिस्टेंस पे इसका टाइम पीरियड निकाल लो तो एक बात बताओ रिस्टोरिंग टॉर्क ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है

सोल्व करके टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई ठीक तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है फिजिकल पेंडुलम हमने कर लिए थे ये हमने कर लिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीआर के लिए भी है ये लिख लें और नीट और मे में बहुत बार आया हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि मान लो एक एस एच एम में एक एस एच एम में हमने रिस्टोरिंग फोर्स को एफ वन लगाया और और उसने मूव किया विद ओमेगा वन और ऐसी अगर मैंने उसी बॉडी में फोर्स कितनी लगाई F2 लगाई और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा 2 अगर मैं उसी बॉडी में फोर्स क्या लगाता हूं F1 F2 इकट्ठी फोर्स लगाता हूं तो नया ओमेगा क्या होगा ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है तो ये अज्यूमिंग कि मास एंड वाई दोनों के लिए क्या रहेगा सेम तो पहला केस फोर्स की वैल्यू कितनी है मास एक्सीलरेशन एस एच एम के एक्स रेशियो मेगा वन स्क्वायर बाई तो फोर्स माइनस लगा लेना सेकंड में रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है एम टू इन टू फिर नेट फोर्स नई बॉडी में कितनी है एफ वन प्लस एफ टू ये भी माइनस ये भी माइनस लगा लेना चाहिए और नई फोर्स क्या होगी मास इन नया ओमेगा माइनस 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 सारे क्या हो जाएंगे प्लस तो यहां से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर

अगर एफ वन प्लस एफ टू टाइम पीरियड क्या होगा सीधा फॉर्मूला आंसर ठीक है